राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में हम मौजूद हैं। बीजेपी नेशनल काउंसिल मीटिंग, जिसके बीते दिन आपने देखा नरेंद्र मोदी के नाम का बोलबाला रहा। क्या होगी आगे की बीजेपी की रणनीति, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ संघ के प्रचारक जुड़ गए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, आइडियोलॉग हैं। राकेश जी, इतना बड़ा बीते दिन बना दिया है नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब शायद उनके बस की भी नहीं है कि कुछ छोटा सोचा जाए उनके लिए या साइड में कहीं फिट किया जाए। नहीं, उनके बारे में छोटा क्यों सोचा जाए, जब वो बड़े बन गए और पार्टी ने उनको बड़े बनने पर ही को स्वीकार किया है, उनकी लोकप्रियता है। मुझे लगता है कि पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप की ओर बढ़ रही है। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो रहा था, राजनाथ सिंह जी ने उसको टर्न कर दिया। एक छवि बन गई थी कि मोदी बनाम भारतीय जनता पार्टी, जैसे मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दो हैं, और इसको कुशलतापूर्वक एक कर देना, पार्टी एक होकर लड़ रही है। मुझे लगता है मोदी की लोकप्रियता किसको जाता है, राजनाथ सिंह को श्रेय जाता है। उन्होंने पार्टी में एक ऐसा माहौल बनाया है, बता दिया, जिसमें एक फ्रैक्शनल फाइट को उन्होंने बंद करवाया, और दूसरा एक सौहार्द का जो वातावरण होता है उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष पे जाती है, और अध्यक्ष तो संघ का हाथ है उनका, मोदी जी संघ के स्वयंसेवक हैं। और मुझे लगता है संघ तो खुश होगा, कोई भी स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री बने, अटल जी प्रधानमंत्री बने, चाहे मोदी जी कोई स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बने, ये संघ चाहता है। उसमें मोदी जी नंबर एक है और ये सब स्वीकार कर रहा है, और मोदी जी बहुत आगे हैं लोगों से, लेकिन परिस्थितियां कैसी बनती है ये निर्भर करता है। दिखा गया था राकेश जी, आप बहुत करीब से जानते हैं कि संघ के मुखपत्र के संपादक अगर बहुत प्रो मोदी लिखते हैं तो उनको हटाने की भी बात हो जाती है, तो फिर इस कश्मकश से निकलकर इस मकाम तक कैसे आप सब पहुंचे कि अब तो भी पीएम बनेंगे। देखिए, ये बात एकदम गलत है कि संघ के मुखपत्र के संपादक को इसलिए हटाया गया कि वो लिखते थे मोदी जी के समर्थन में। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और उनका उनकी सेवानिवृत्ति हुई। मीडिया ने उसको इंटरप्रेट किया कि मोदी जी के समर्थन में लिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मोदी संघ के स्वयंसेवक हैं, और एक प्रोजेक्शन ये था कि मोदी का लार्जर देन लाइफ इमेज बन गया, वास्तव में ऐसा है नहीं। ये एक दुष्प्रचार की राजनीति ने मोदी को हमेशा एक सेंटर स्टेज में रखा। मीडिया ने 2 साल तक 10 साल तक मोदी जी को एक पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, और अब मीडिया उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी तत्पर है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया क्यों तत्पर है, राकेश जी, मीडिया को क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी अभी कोई बहस नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन तो है। पार्टी खुल के क्यों नहीं कह देती ये है हमारे पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार, आपको जो करना आप करिए। देखिए, पार्टी का अध्यक्ष अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, नेशनल काउंसिल हुआ है, ये कैसे संभव था कि नेशनल काउंसिल से पहले और अध्यक्ष बनने से पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए? नेशनल काउंसिल बना, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। मुझे लगता है ड्यू कोर्स में जो आप जो लोगों का एस्पिरेशन है वो ड्यू कोर्स में सामने आ जाएगा, कितनी देर में घोषणा हो जाएगा। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी ही इस पर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री का नाम आए, और मीडिया का जो एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है उसको आप नॉन रिस्पॉन्डेड नहीं रख सकते हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक कार्यकर्ताओं में भी छवि बन गई, मोदी जी की एक अपनी छवि है, उस छवि का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसके नकारात्मक पक्ष को कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी, सकारात्मक पक्ष को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाएगा? देखिए, उनकी अपनी राजनीति है बिहार की, देखिए मुझे तो अपनी चिंता होगी ना। देखिए, गठबंधन की राजनीति एक रियलिटी है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन नीतीश कुमार वीटो का प्रयोग करेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार की एक जिद है, नीतीश कुमार की एक जो शख्स उन्हें पहुंचने नहीं देता है अपने राज्य में, जो शख्स घुसने नहीं देता है अपने राज्य में, वो कैसे उस नाम के साथ चला जाएगा? मुझे लगता है कि देश का सेंटीमेंट जो है वो नीतीश कुमार के सेंटीमेंट के साथ चलेगा, और नीतीश कुमार भी ऐसा अब उनके स्टैंड में डाइल्यूशन है। पहले उन्होंने कहा था कि हम मोदी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब वो कहने लगे भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, जो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा उसका हम समर्थन करेंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा, और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। गिरिराज जी भी अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि किस तरह की उम्मीदें नरेंद्र मोदी के भाषण में है, क्योंकि बहुत दिलचस्प होगा ये जानना और देखना, ये दिखाना बहुत दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी आज भाषण में क्या क्या बोलते हैं, किस तरह के संकेत वो देते हैं। क्या जिस तरह से SRCC में युवाओं को मंत्रमुग्ध किया था उन्होंने, वैसा ही कुछ करते हुए वो आज नजर आएंगे? किस तरह से बीते दिन जब राजनाथ सिंह ने उनकी तारीफों की बात शुरू की तो आपने भी देखा, सबने देखा, और उन्होंने कहा सिर्फ तालियों से बात नहीं बनेगी, स्टैंडिंग ओवेशन।
वो स्टैंडिंग ओवेशन, वो जो वंदना नरेंद्र मोदी के नाम पर आप देख रहे हैं, वो आज किस मकाम पर पहुंचेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। किस तरह की बातें वो करते हैं, क्या उनकी बातों में ये झलकता है कि आने वाले वक्त में किस तरह की भूमिका उनकी होगी, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने है और इस देश के भी सामने है। क्योंकि समझना ये होगा कि अगर वाकई एक विकल्प के रूप में बीजेपी आने वाले वक्त में है तो वो किसे प्रोजेक्ट करती है। गिरिराज जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए और राकेश जी से यही बात हो रही थी गिरिराज जी कि आप अगर प्रोजेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को तो उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को समझाना मनाना, आप तो बिहार से हैं, वहां पर कैसे समझाइएगा उनको, भड़क जाते हैं आपकी बातों से। देखिए मैं तो एक छोटा सा कर्ज करता हूँ, मैं बातों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे याद है अटल जी ने एक शब्द कहा था कि मुझे पार्टी बनाना चाहती तो मैं कब को बन गया होता प्रधानमंत्री, देश की जनता प्रधानमंत्री बनाता है, किसी के चाहने ना चाहने से शायद कोई प्रधानमंत्री बनता, देश का आवाम, देश का नौजवान। आज जो देश की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता खत्म ही हो गई है, राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं। आप एक राजनीतिक के रूप में कम आते हैं क्या, उन्हें समझ नहीं है कि देश और जनता क्या चाहती है, किनको क्या समझ है। मेरा नहीं कद है कि मैं किसी के विषय में टिप्पणी करूं, ठीक है, लेकिन राज्य का आवाम, मैं इतना कहता हूं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी कितने पॉपुलर है, वो 2014 का रिजल्ट है, लेकिन बिहार में आज किसी से ज्यादा वो पॉपुलर है, ये दर्शाता है एक जन नेता के लिए जो लोकप्रियता चाहिए, जो छवि चाहिए, वो नरेंद्र मोदी में है। देश की जनता तो कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों हाथ से चीज छूट जाए, इधर भी कुछ हासिल ना हो और उधर नीतीश जैसे जो गठबंधन की पार्टी है जिनसे लंबे वक्त से अब चल रहा है आपका रिश्ता, वो भी छूट जाए। देखिए मुझे लगा दो प्रक्रिया होगी, एक तो पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी कैंडिडेट डिसाइड करेगी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगी कि गठबंधन के घटकों से बात की जाए। मुझे लगता है गठबंधन के घटकों को नाराज नहीं किया जाएगा, ना नजरअंदाज किया जाएगा, उनकी मजबूरी है ना सर, नहीं उनको तो वहाँ पर अपने वोट बैंक। देखिए मुस्लिम वोट बैंक का कंसेप्ट डाइल्यूट हो रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के कंसेप्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री का अवतार घोषित नहीं करेगी। यदि मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर होना होगा तो बीजेपी में एक ही नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सके, क्योंकि मुसलमानों की जो हालत है, जो एक पैदा कर दी गई है मुसलमानों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी छवि है, उसको दो चार दिनों में आप समाप्त नहीं कर सकते। नीतीश को आप क्यों नहीं समझा पाते, वहाँ पे सफाया जैसा जो सौराष्ट्र में म्युनिसिपल चुनाव में 95% मुसलमानों की सीट भी बीजेपी को मिली, ये आप क्यों नहीं समझा पा रहे होंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सोए रहते हैं उन्हें जगाया जाता है, जगे को नहीं जगाया जाता है। और 2014 के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया पूरे देश के जो सेकुलरिज्म की का कहा जाए कि वो एक तरह से ठेकेदार रहे, उनको बता दिया कि हर चौथा मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। जब गुजरात में घटना घटी, गुजरात के मुसलमानों ने विकास के साथ एक नई सोच के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। बिहार में तो एक तरह से सौहार्द का वातावरण है, वहां तो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस सहित अन्य लोग, ये देश की जनता फैसला करेगी। सुरक्षित रास्ते से आप निकलते हैं, बात कहाँ शुरू होती है फिर अन्य राजनीतिक दल पर पहुंच जाते हैं, कौन खराब कर रहा है। नरेंद्र मोदी का चेक तो फ्लड के रिलीफ के लिए जो उन्होंने भेजा था वो नीतीश कुमार ने लौटाया था। मैं उन पत्रों में नहीं जाना चाहता, मैं उन पत्रों में नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा ये समाज है और समाज तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री होगा। और बीजेपी ने तय कर लिया, बीजेपी का कार्यकर्ता तो कल तय कर दिया, उसने तो मोहर मार दी, पूरे देश से आए हुए नेशनल काउंसिल जो राजनाथ जी के अध्यक्षीय पद पे मोहर लगाने आया, और साथ में साथ जो उन्होंने स्वागत की कल, और उस स्वागत में खड़े होकर के जो सुर में सुर और क्लैपिंग, ये तो कार्यकर्ताओं ने अपना मोहर मार दिया। अब पार्टी अपना संसदीय व्यवस्था कानून संविधान के तहत जो करना होगा करेंगे, इससे ज्यादा शायद बोलने की जरूरत है नहीं। नहीं देखिए मुझे क्या लग रहा है कि पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को स्वीकार किया, राजनाथ सिंह ने यह स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे लोकप्रिय और अच्छी छवि के मुख्यमंत्री हैं, इनकी लोकप्रियता का पार्टी लाभ उठाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो एक बात कही कि प्रधानमंत्री के बारे में नेताओं की टिप्पणी से नहीं होगा, कार्यकर्ताओं के एस्पिरेशन देखा जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प है
और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसने 2014 के चुनाव में उसके साथ कोई हादसा हो जो 2004 में हुआ, 2009 में हुआ। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और गठबंधन भी जारी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होगी। वाणी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो वाणी जी, आप कितनी प्रभावित हैं इस मोदी मेनिया से? देखिए, ये सारे जो फिनोमेना है ये हमारे मीडिया के आपके जागरूक मित्र ही क्रिएट करते हैं। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और अगर हम अपने सारे मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस देखें पिछले कई साल की, उसमें शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, आदरणीय मोदी जी हैं, इन सब को तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया ही नहीं आपने। आप आज सुबह देखेंगे और स्टैंडिंग ओवेशन उन पार्टीज में दिया जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन उन पार्टीज में दिया जाता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो संगठनात्मक पार्टियां होती हैं वो अपने काम से सराही जाती हैं। और हमारे मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस और उनका बार बार चुनकर आना, यही स्टैंडिंग ओवेशन है। एग्जांपल क्या ठीक है कि आप एक मुख्यमंत्री को चुने, आप आडवाणी साहब या वाजपेयी जी के वक्त को छोड़ दीजिए, आप एक मुख्यमंत्री को चुने, स्टैंडिंग ओवेशन सब कुछ दें, क्या ये ठीक है अपने? देखिए नरेंद्र मोदी, आप इंतजार करते हैं, आप पार्लियामेंट्री तरीके से जब मीटिंग के बाद अनाउंस करते नाम से ये सब करते हैं। पार्टी रंजन जी, पार्टी तो संवैधानिक आधार पर ही चलेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक सीमा के पार चली गई कार्यकर्ताओं और जनताओं में। और आप देखिए जनता में एक बार बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री बने, तो पार्टी ने उनकी लोकप्रियता को स्वीकार किया। ही इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन द पार्टी, और ये पार्टी के अध्यक्ष ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक। लेकिन ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है राकेश जी, क्योंकि ये बार आप दोनों से मैं ये सवाल पूछूंगी। ये बार बार कहा जाता है कि कई बार बहुत ही अथॉरिटेरियन तरीका अपनाते हैं गवर्नेंस का, जिस शख्स को आप यहाँ पर पहुँचा देंगे इतना बड़ा बना देंगे, कहीं आने वाले वक्त में वही परेशानी का सबब ना बने। देखिए नरेंद्र मोदी अभी गुजरात में शासन कर रहे हैं, जब वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगे तो पार्टी जो देश का वैविध्य है और जो पार्टी का जो चरित्र है उसके अनुकूल उनको काम करना चाहिए, करेंगे। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या कोई भी व्यक्ति, नरेंद्र मोदी की जगह स्वयं राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो उनको पार्टी के चरित्र के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे लेकिन पार्टी के चरित्र को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सभी रास्ते साफ है ना नरेंद्र मोदी के लिए, बस ऐलान का इंतजार है। पहली बात तो ये है कि आप जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात भी करते हैं जिसने इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने हैट्रिक लगाई है। दूसरी बात यह है कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी संगठनात्मक दृष्टि से एक बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता हैं। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आप उन सालों को याद करिए जब वो मीडिया फेस हुआ करते थे पार्टी तो का, जब वो मीडिया फेस हुआ करते थे पार्टी का दिल्ली में, और कहाँ बदले? अगर 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 जनता का जनादेश उनके साथ नहीं होता तो वो यहाँ इस तरह हैट्रिक नहीं लगाते। दूसरा, कांग्रेस के पसीने अगर सचमुच किसी से छूटते हैं वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से छूटते हैं। और बल्कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब अभी जयपुर में चिंतन बैठक हुई और राहुल गांधी जी को मनोनीत किया गया वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, तो ये जो आप बार बार सवाल हमसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, ये कांग्रेस पार्टी से आप क्यों नहीं पूछते? जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है कि वो क्यों नहीं घोषित कर रहे? क्योंकि हमारे यहाँ समस्या है ही नहीं। हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक कोर ग्रुप है, और हमारे आला लीडरान पूरी तरह से इस निर्णय को ध्यान में रखेंगे जब वो डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए मीडिया जो ये सवाल पूछती है, मैं इसे थोड़ा डिफर करता हूँ। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई है जो कांग्रेस की स्थिति 1950-60 में हो रही थी। ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, इसलिए मीडिया या जनता के एस्पिरेशन है कि कौन इस पार्टी को लीड करेगा। इसलिए इस प्रश्न को मैं इलेजिटिमेट सवाल नहीं मानता, बहुत सवाल है। गठबंधन की पार्टियां हर बार सेक्युलर नॉन सेक्युलर तराजू को निकालती है ना। लेकिन देखिए होता क्या है कि लीडर का ग्रोथ जो है वो नेचुरल प्रोसेस में होता है, और नरेंद्र मोदी एक नेचुरल प्रोसेस में लीडर बन उभर कर आए हैं। बाकी लीडर कम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी के पास विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी के पास विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी कभी नहीं कहा कि मैं ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होऊंगा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, उनके समर्थकों ने ऐसा नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से, यदि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करना भी होगा तो एक लोकतांत्रिक तरीके से करेगी और समय के अनुसार करेगी, और एक सामयिक निर्णय होगा। ये कोई मीडिया से बनाया हुआ प्रश्न नहीं होगा, ये बिल्कुल देश की आकांक्षाएं हैं। हमारा काडर उत्साहित हो जाता है, जागृत हो जाता है जब जब वो पब्लिकली अपीयर होते हैं, जब भाषण देते हैं। तो सवाल है कि उनकी डेफिनेटली पॉपुलैरिटी बहुत इस वक्त बिल्कुल आकाश छू रही है, लेकिन वही क्योंकि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने निर्णयों को लेते हैं,
हम किसी के प्रेशर बनाने से ये निर्णय नहीं ले लेंगे। और बिल्कुल जो आकांक्षाएं काडर की हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा एक संविधान है। अभी राजनाथ सिंह जी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, अपने आप मतलब सिस्टम अपने आप ही उससे काम करेगा जिस तरह उसे करना।